गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे जिससे सभी कंसर्न्ड हैं। स्कूल्स कॉलेजेस बंद होने के कारण से हमारे टीचर्स अब जो भी एकेडमिक कंटेंट है वो आइदर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू या व्हाट्सएप वीडियो भेजे जा रहे हैं या यूट्यूब वीडियोज़ भेजे जा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का किसी तरह से एकेडमिक्स का लॉस ना हो और इस साल ख़राब ना हो। लेकिन इस सब से बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटे तक पहुंच गया है और इससे सब पेरेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स हर कोई डिस्टर्ब्ड है और उनको इसका कोई अभाव प्रभाव ना पड़े उसके लिए वो कंसर्न है। आइए हम कुछ बात करते हैं कि इसके प्रभाव किस तरीके से हम कम कर सकें, उसके क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मोबाइल के यूज़ से आंखों में स्ट्रेन पड़ना, सिर दर्द रहना, आंखों की नज़र धुंधली होना, आंखों में ग्लेयर पड़ना, ड्राई आइज होना, आंखों में खुजली होना, आंखें लाल होना, गर्दन में या पीठ में दर्द होना, ये सब कुछ आम लक्षण हैं जो सब में देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हम अपने एनवायरनमेंट में या आसपास जो चीज़ें हैं उसमें कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लाइटिंग कंडीशंस पे ध्यान दें। जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो आउटसाइड लाइट से सोर्स आ रहा है, जैसे कहीं पर विंडो पेन है तो विंडो से लाइट सामने से ना आकर और पीछे से ना आए, ताकि आंखों में डायरेक्टली ना पड़े और स्क्रीन पे डायरेक्टली ना पड़े, वो विंडो पेन साइड में हो। साइड में होगा, उससे लाइट डायरेक्टली नहीं पड़ेगी और उस विंडो पेन को भी हम आइडली या तो हम किसी ब्लाइंड से या कर्टेन से कवर रखें ताकि आंखों में लाइट डायरेक्टली ना पड़े, उससे ग्लेयर कम होती है। अगर स्क्रीन पे फिर भी ग्लेयर पड़ रही है तो हम स्क्रीन की लाइट ठीक पड़े। लाइट का सोर्स अच्छा होना चाहिए और आइडली ऊपर से पड़े ताकि लाइट ठीक आए। जैसे हम बैठते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सीटिंग बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए, जो पैडेड सीट होनी चाहिए, गद्देदार सीट हो, हमारे जो पैर हों बिल्कुल पैर ज़मीन के पैरेलल हों, ऐसी हमारी जो थाइज हैं वो बिल्कुल पैरेलल हों, हम बिल्कुल सीधे बैठें। झुक के बैठना अच्छा नहीं है और लेट के पढ़ना भी अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट ये है, कोई भी हम डिवाइस जो यूज़ कर रहे हैं उसकी स्क्रीन का साइज़ बढ़ाओ। अगर हम मोबाइल पे काम करते हैं उससे बेटर है कि हम लैपटॉप या पीसी पे काम करें। स्क्रीन का साइज़ बढ़ा होगा तो टेक्स्ट साइज़ बढ़ा होगा, आंखों पे प्रभाव कम पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट हम अच्छा यूज़ करें, लाइट सोर्स अच्छा हो, लाइट जो हम यूज़ करें स्क्रीन डिवाइस पे आउटसाइड जो आसपास की लाइट है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ही ना हो, मतलब बहुत ब्राइट भी लाइट ना यूज़ करें और बहुत डल भी ना हो। पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उस पे हम एंटी ग्लेयर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और हम एंटी ग्लेयर ग्लासेस खुद भी लगा सकते हैं ताकि आंखों पे ग्लेयर कम से कम हो। अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम जो स्क्रीन है वो हमारी आंखों के लेवल से थोड़ा नीचे हो, जो स्क्रीन का सेंटर है वो हमारी आंखों के लेवल से 4 से 5 इंच नीचे हो या 15 से 20 डिग्री नीचे हो और स्क्रीन आइडली आधे मीटर के डिफरेंस पे हो। और अगर हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं तो मोबाइल भी नीचे के लेवल पे होना चाहिए, कंफर्टेबल डिस्टेंस होना चाहिए, हम बिल्कुल सीधा उसको देख रहे हो और टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा हो। स्क्रीन पे जो डस्ट और फिंगरप्रिंट्स के निशान हो उनको हम अवॉइड करें ताकि हमें क्लियर दिखे, उससे हमारा सब कुछ बेटर होगा। स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है, अब इस ब्लू लाइट के निकलने से आंखों पे ग्लेयर पड़ती है। हम अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में हम ब्लू फिल्टर ऑन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी ऑलमोस्ट अब हर मोबाइल में आ रही है, तो हम ब्लू फिल्टर ऑन करके वो ग्लेयर भी कम कर सकते हैं। ब्लू फिल्टर निकलने से अगर ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं तो मेलेटोनिन भी प्रोडक्शन कम होती है, इससे हमारी स्लीप पे भी फ़र्क पड़ता है। तो आइडियली रिकमेंडेड है कि सोने से 1 घंटा पहले हमें मोबाइल का यूज़ या स्क्रीन का यूज़ कम से कम करना चाहिए, ताकि नींद अच्छे से आएगी। नींद अच्छे से आएगी तो हमारी आंखों को भी अच्छा रेस्ट मिलेगा और मेंटली भी हम एट पीस होंगे, तो हमारे सारे जो टेंशन्स हैं वो कम हो जाती हैं। अगर हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं जो भी कंटेंट आ रहा है और व्हाट्सएप पे आ रहा है कंटेंट, तो हम एक प्रोविज़न होता है व्हाट्सएप वेबकास्ट, जो कि हम लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करके जो सेम कंटेंट हमारा मोबाइल पे आ रहा है वो हम व्हाट्सएप कंटेंट अपने लैपटॉप या पीसी पे भी देख सकते हैं। जिसके पास मोबाइल लैपटॉप या पीसी नहीं है वो उसको टीवी से भी, अगर स्मार्ट टीवी है उससे कनेक्ट कर सकता है, जिसके लिए क्रोमकास्ट और ऐसे कई
ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि उससे हम उसको टीवी को कनेक्ट करके हम बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिससे आंखों पे उसका दुष्प्रभाव कम होगा। अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बार बार बीच में ब्रेक लें। अगर नॉर्मली सब क्लासेस अराउंड 40 to 45 मिनट्स की होती हैं, अगर 40 to 45 मिनट्स की क्लास के बाद रफली हाफ एन आवर का ब्रेक होता है, इस हाफ एन आवर में हम कोई भी और डिजिटल डिवाइस यूज़ ना करें और बच्चे को इनक्रेज करें कि वो बाहर जाए, कि दूर किसी चीज़ पे देखे, ताकि आंखों के बीच में रिलैक्सेशन मिले, आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं, और उस बीच में कोई भी मोबाइल का यूज़ ना करें, और बाकी दिन में भी मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। मोबाइल स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम कम से कम हो, और बच्चों को इनक्रेज करें कि बाकी सब एक्टिविटीज़ में वो इंगेज हों, ताकि उनकी आंखों को रेस्ट मिल सके। फिर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास जैसे ही ख़त्म होती है तो बच्चे को इनक्रेज करें कि वो अपनी आर्म्स, लेग्स, नेक, शोल्डर, इन सब की थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, ताकि जो मसल फटीग है वो सेट इन नहीं होता और बच्चे को उससे आराम मिलता है। अगर कहीं बच्चे कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, तो उसमें हम उनको एडवाइस करें कि इस सब टाइम के ड्यूरेशन में वो कॉन्टैक्ट लेंसेज ना यूज़ करें। कॉन्टैक्ट लेंसेज से आंखों पे और स्ट्रेन पड़ता है और हमें उससे भी फ़ायदा मिलता है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हम बच्चे को इनक्रेज करें कि वो ब्लिंक ज़्यादा करें। नॉर्मल हम 1 मिनट में रफली 15 to 20 टाइम्स ब्लिंक करते हैं, लेकिन जब कोई हम डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी कम होके रफली हाफ रह जाती है, और ये इनफ्रिक्वेंट ब्लिंक्स कंप्लीट ब्लिंक्स होते हैं, जिसके कारण से आंखों में ड्राई आइज होने लग जाती है। अगर हम ब्लिंक ज़्यादा वॉलंटरली करेंगे और इनकरेज करेंगे बच्चे को कि वॉलंटरली ब्लिंक करें, तो उससे ड्राइनेस की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। और हम ये भी इनकरेज कर सकते हैं कि वो कोई आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट आई ड्रॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस सब के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई बच्चा चश्मे का नंबर यूज़ कर रहा है तो उसकी रिफ्रैक्शन एक हॉस्पिटल में अच्छे से वापस रिपीट होनी चाहिए किसी डॉक्टर को दिखा के, कि चश्मे का नंबर माइनर चेंज भी हो तो उसके कारण से भी आंखों में स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, जो कि हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर नंबर ठीक करेक्ट हो जाएगा तो उसकी वो प्रॉब्लम, समस्या भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। फिर कई पेरेंट्स का ये भी प्रश्न आता है कि डाइट का इसमें कोई रोल है, तो डाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच सोर्सेज जैसे नट्स हैं, वॉलनट की बात करते हैं, ग्राउंड नट की बात करते हैं, तो ये साथ में फिश, राजमा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, जो कि हमारी डाइट में दिया जा सकता है, जिससे ये सब समस्याएं थोड़ी कम होती हैं। इसके अलावा वाटर इंटेक बढ़ाया जा सकता है, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, ये भी कुछ हद तक हेल्प करता है इस सब के लिए। एक और कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये सब जो चेंजेस हो रही हैं, वेदर दीज आर परमानेंट और ये टेम्प्ररी हैं। ये ज़्यादातर जितनी भी समस्याएं हैं टेम्प्ररी हैं, प्रोवाइडेड हम इसके लिए जो जो भी प्रिकॉशंस हैं या जो करना है वो हम जल्दी शुरू करें, ये सब टेम्प्ररी हैं और बच्चे के लिए इस सब में बहुत फ़ायदा मिलता है और उनमें कोई भी प्रभाव ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं। अच्छा रहेगा ये जितनी भी चीज़ें हैं, अभी तो हम एक समस्या से जूझ रहे हैं जिसके लिए हमारे टीचर्स, स्कूल्स बहुत अच्छे से कॉपरेट कर रहे हैं, और पेरेंट जिस तरह से भी स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा हम अपने लेवल पे हम जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें, और बच्चे का साल ना खराब हो उसके लिए हम पढ़ाई करें, और ये आगे भी हमें इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा और आगे भी ये सब चीज़ें फॉलो करते रहने पड़ेंगी। थैंक यू।